रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। इसने लिखा कि सन 1954 से सत्संग करते हुए आ रहे हैं। ये कौन? जय गुरुदेव के पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी। अब इन्होंने पाया क्या? समाधि लाने की चेष्टा की, जैसा गुरुजी ने बता रखा था, जैसा इनके शिवदयाल जी हट करते थे ऐसा ये करें। फिर अब ये कंडम हो गए हठियो करते करते, इन कोई और उठा के धरे है, हाथ पैर गड़गे हैं। और क्योंकि पुण्यात्मा थी, जैसा उस नकली गुरु ने बताया ये उसी तरह समर्पित हो गए। अब ये अपना अनुभव लिखते हैं, न के देखा ऊपर भगवान की सा है दिखाते हैं। परमार्थी वचन संग्रह परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम संत स्वामी तुलसीदास जी रचित 9 पुस्तकों का संग्रह सजलित जल्द कर रखे। इसकी प्रकाशक है व्यवस्थापक अमर संदेश 23 पांडे बाजार आजमगढ़ से। ये है जय गुरुदेव जी कहे न तुलसीदास जी हैं, और ये इनके गुरु जी हैं गोरेलाल जी। ये लेखक के दादा गुरु हैं, यानी पुस्तक के छापने वाले के दादा गुरु। और अब आपको दिखाते हैं इसके 157 पृष्ठ पर संत मत सच्चा निर्माण, ये कोई चैप्टर है पुस्तक ऐसी अलग 9 की अलग जलद कर रखी है 157 पृष्ठ पर, यह देखना नीचे। प्रश्न, ईश्वर किसे कहते हैं? जो एक है अद्वितीय है, जो न बाल न बाल न युवा है, न वृद्ध है, न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, न गर्भ में आकर जन्म लेता है, न मृत्यु को प्राप्त होता है, जैसे जैसे यहाँ देखो। अनाम है, अरूप है, अरूप माने निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, और तो ये दुख के में मारो सट्टे। फिर आगे देखो, फिर इसके आगे क्या लिखते हैं ये 242 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। अब 241 पर क्या लिखा है, ज्ञान रसीम चैप्टर है कोई इनका। अब सतपुरुष की महिमा बताओ है कि मैंने अनुभव किया, सतपुरुष देखा, सतपुरुष से तमाम धनी आत्माएं पैदा हुई हैं। आगे चलो, अब ये क्या बताता है, इस देश से निकलने के बाद वापस घर में आए हो और स्पष्ट होता है कि यह सच्चा घर है। इस महान प्रकाशवान स्वरूप की मूर्ति विचित्र आदमी या बड़े से बड़े पुरुष की प्रतीत होती है। एक बहुत अद्भुत सुंदरी के साथ महान सिंहासन पर विराजमान है। पूर्ण पुरुष में से ये महान सुरीली राग निकल रही है। अब यूँ कह गए है कि मैंने जो ऊपर देखा वो भगवान एक सुंदरी एक औरत के साथ बैठा है सिंहासन पर, और उस पूर्ण पुरुष से महान सुरीली आवाज निकल रही है। उसका लघु प्रमाण बीन जैसी आवाज है, वह वास्तव में बीन है नहीं। इस मालिक की महिमा कथन में नहीं आ सकती, अकथनीय है। अब सतपुरुष सतलोक में अकेले हैं, और किसी भी संत की वाणी देख लो उनके साथ कोई स्त्री का लिंक नहीं है। इसने इस इनकी जो समाधि होकर के चेष्टा इन्होंने की, ये इस काल के ब्रह्मांड को भी पार नहीं कर सके। इसी में कोई लोक ला के इधर देख ली, कोई कितने देवता हैं, इंद्र भी अपनी पत्नी के साथ बैठा रहता है, वहाँ भी मुरली बजे हैं। काल ने सतलोक की नकल इस काल लोक में कर रखी है। इनका और अनुभव दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा वही पुस्तक वही चल रही है, ये ज्ञान रसीन 244 पृष्ठ पे। यहाँ क्या है, सबका कारण और करने वाला तथा सबसे अलग रहने वाली वाला वही अविनाशी सतपुरुष है जो सतलोक में है। जिस तरह से जल की तरंग जल में ही समा जाती है, इसी तरह से उस अथाह जल के तरंग संत हैं। देखने में अलग मालूम होते हैं, परंतु वह अथाह जल से भिन्न नहीं है, उसी में समा जाते हैं। अभी दिखाते हैं आपको 162 पृष्ठ पर है।
इसका अनुभव दिखाते हैं महापुरुष का। ये देखिएगा 160 पृष्ठ पर। अब ये क्या बताते हैं, प्रश्न किया किसी ने कि सात रंग होते हैं। अब बंगी कहीं भी सड़क पर जाड़ता नजर नहीं आता है, मन मूत्र से भरी नालियाँ मोरियाँ भी नजर नहीं आती। ये इस किसी भी लोक में, यहाँ आप चले जाइए आपकी कभी दृष्टि खुल जाए तो शिव लोक में, विष्णु लोक में, ये वहीं पर है ऐसे नज़ारे। इस इंद्र के लोक में स्वर्ण और मणियों के जुड़े हुए नाना प्रकार के महल दिखाई पड़ते हैं, नाना रंग की कारीगरियों से ये बने हुए हैं। यहाँ देख रहा हूँ। अब ये 163 पर कहते हैं, यह दृश्य बड़ा ही अनोखा है। कभी कभी सुंदर से बाघ नजर आते हैं, जैसे ब्रह्मा जी को दुर्गा ने ऊपर भेजा था, वो भी कहता वहाँ बड़े बड़े सुंदर बाघ हैं, मनोहर मंदिर हैं, बड़े रत्नों जड़े हुए हीरे, ये बड़े वहीं भटक रही थी इनकी आत्मा। सुंदर रंगीन वृक्ष लगे हुए होते हैं, जिस वृक्ष की डालियों में की मैं बजाय फल और फूल के सुंदर नारी और नर विविध प्रकार के वस्त्रों के आभूषणों से सुसज्जित क्रीट व मुकुट व कुंडल पहने हुए वृक्ष सहित झूम झूम कर नृत्य कर रहे। ये करा के अड़ंगा देखा था, नौके नर नारी वृक्षा के महाय फटोरे हैं और वो वृक्ष भी गेले नाचे हैं। कभी कभी श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण जी की मनोहर झांकी अद्भुत छटा से पूर्ण दिखाई पड़ जाती है। अब रामचंद्र श्री कृष्ण बटता रहा इनकी आत्मा, और तभी तो इसने ये अनुभव बताया अपना कि भगवान एक सुंदर नारी के साथ बैठा है। बताइए इनका अनुभव, सारी उम्र खो दी इसने। और उधर से ये अपना अनुभव बताते हैं कि परमात्मा वहाँ चेतन ही चेतन है, सत्यलोक में कुछ भी नहीं है, सत्पुरुष निराकार है और आत्मा उसमें ऐसे समा जाती है जैसे जल तरंग में, जैसे जल की बूंद समुद्र में समा जाती है। अपने आत्माओं, पहले तो हमने जैसे कोई आम का बीज बीजा है, आम के बीज का भी अंकुर होगा, उधर से किसी ने कीकर का बीज बो रखा वो भी फल उसका भी अंकुर होगा, और धीरे धीरे वो भी बड़ा होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ दिखाई देगा, पत्ते डाली और आम वाले भी ऐसे चलेगा। लेकिन जिसने केवल बबूल ही देखा है, आम देखा ही नहीं, तो बबूल के सब लक्षण बता रहा है। अब जिसको जानकार है कि ये लक्षण तो आम के है ही नहीं, ये तो बबूल के हैं, फिर उनको मिला के देख लो। तो जिन महापुरुषों ने मंत्र, ये मंत्र बीज है, जिन्होंने ये सत साधना सतनाम और सार नाम की है, उससे जो उपलब्धि होनी वो तो सतलोक होना है, और जो इन्होंने नाम जाप किए वो काल के हैं, काल के ही लोक में इनको रहना है और यहीं पर है ये। और इनका जो दादा गुरु यानी सबसे प्रमुख वो भूत बना हुआ बुक्की में बोला तो ये कित जाएंगे इन पांच नाम जपने वाले, अंडरस्टूड है। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।